भारतीय जनता पार्टी के विस्तारकों की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक की अध्यक्षता में एक निजी हॉल में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के द्वारा सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने सरकार की योजनाओं को निचले पायदान तक पहुंचाने के लिए जिला अध्यक्ष, कार्यपालक तथा 62 विधानसभा के विस्तारकों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य था कि पिछले महीने में जो लक्ष्य विस्तारकों को दिया गया था उसकी समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा 2017 में जनता ने भाजपा को वोट देकर प्रदेश में सरकार बनाया था, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार और कार्यकर्ता बेहतर कार्य कर रहे हैं तथा विधानसभा 2022 के चुनाव के मद्देनजर जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित सभी विस्तारक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय बहादुर पाठक जी और दूसरे प्रदेश गोरखपुर काशी क्षेत्र के प्रभारी विस्तार योजना के तथा प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान ब्रज बहादुर जी उपस्थित हैं। मैं महानगर के अध्यक्ष श्रीमान राजेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि उनका क्षेत्र है और अपने क्षेत्र में वह आप आकर के विजय बहादुर जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें, विजय बहादुर जी को पुष्प देकर के स्वागत करें। हम लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के बैठक में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गोरखपुर क्षेत्र में यूं तो व्यवसाय मेरा क्षेत्र लखनऊ की तरफ है, गोरखपुर क्षेत्र में अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष और गोरखपुर और काशी दोनों क्षेत्रों में विस्तार के समन्वय का कार्य देख रहे आदरणीय ब्रज बहादुर जी, जो मूल रूप में हाथरस क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम सब विभिन्न कार्यक्रमों में संगठन मंत्री के रूप में जिनका मार्गदर्शन को समय समय पर मिलता रहा है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर अपने साथ विशारद योजना का काम देख रहे डॉक्टर पंकज जी हैं और डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे जी। जैसा कि श्रवण जी ने सूचना दी है कि चार गढ़ बनाए हैं, तीन गढ़ बनाए हैं, तो उसमें थोड़ा सा संशोधन है। विस्तारक पालक और जिलाध्यक्ष की जो बैठक साथ में है तो जिस जिले के विस्तारक है और जो पालक है उनके साथ आप भी बैठे। आज जो बुलाने का उद्देश्य है वो ये है कि इनको क्या काम दिया गया है, क्या ये काम कर रहे हैं और उस क्या काम में मेरी क्या भूमिका है और उनकी आपके प्रति क्या भूमिका है, दोनों का तालमेल। इसलिए आप सब लोगों को हम सब लोग जानते हैं कि जिलाध्यक्षों के पास इस समय संगठनात्मक इस समय जो काम चल रहे हैं, जिलों जिलों में पत्र बांटने का काम हो रहा है, सरकार की उपलब्धियों को भूत पर ले जाने का काम हो रहा है, ऐसे समय में अगर जिले से आपको जिला से गोरखपुर बुलाए तो स्वाभाविक रूप से उसमें
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए साथ बैठ करके और आने वाले 15 मार्च तक जब तक ये चुनाव की योजना है आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, इनको काम क्या है, जिनको करना है उनको स्पष्ट रहेगा कि मुझे जो काम है उनकी रिपोर्टिंग क्या है। तो दोनों के समुच्चय के लिए आज ये बैठक है कि हम जिस जिले के विस्तारक हैं उनके साथ ही अपने जिले के साथ जो बैठेंगे, जो अलग अलग बैठे बैठेंगे, तो एक विस्तारक से लगभग हम 10 से 12-15 मिनट बातचीत करेंगे। नहीं, सतत रूप से इस कार्यकर्ता काम कर रहा है और उस काम को लेकर के चर्चा और आगे जो कार्यक्रम है उनको लेकर बातचीत हम इस बैठक में। 22 विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर क्या रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24x7 और 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, तो हम 365 दिन काम करते हैं। स्वाभाविक है 2022 में चुनाव होने, तो चुनाव की तैयारी के दृष्टि से चुनावी जो चुनाव उस दृष्टि से जो हमने कार्यक्रम बनाए हैं उसकी चर्चा करेंगे। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? जो जनता के काम हैं, सरकार की जो उपलब्धियाँ उन उपलब्धियों के लिए जाएंगे, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी उपलब्धि नहीं है।